बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अज़हर शाही है और मैं लाहौर से आया हूँ। इधर पुंछ यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर देना था और वहाँ से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या इलाका जी जिधर हम जा रहे हैं? टोलीपीर हैं, टोलीपीर टोलीपीर की तरफ जा रहे हैं। अभी आप खड़े हैं शहीद गला में। अभी किधर हैं? शहीद गला में। शहीद गला में? शहीद गला में। तो हम इधर हैं और यहाँ पर हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो है कश्मीर, वाकई मैं ये समझता हूँ कश्मीर जो है, इस इलाका जो है, जो मैंने डिस्कवर किया है इस वक्त कश्मीर को, मैं समझता हूँ कि ये जो मरी और ये दूसरी चीज़ें जो रावलपिंडी के साथ लगे उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और सिर्फ यहाँ पे ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड वगैरह अच्छे बना दिए जाएं। और मेरा ख्याल है कि ये हमको इस इलाके को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। और दुनिया का ये मैं कहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड जो है, ये स्विट्ज़रलैंड है, असल दुनिया का स्विट्ज़रलैंड ये है, हम यहाँ पे बना सकते हैं। मेरी सजेशन ये है कि यहाँ पे अगर कम से कम रोड खुले नहीं अभी बन सकते, तो फौरी तौर पे 5 स्टार्स होटल बनाकर यहाँ पे तो वो हेलीकॉप्टर जो है ना सर्विस शुरू की जाए। हेलीकॉप्टर पे लोग आएँ और यहाँ पे इन्जॉय करें और अच्छे होटलों में रहें, इन्जॉय करके हेलीकॉप्टर पे वो रावलपिंडी चले जाए। तो ये इसके अच्छा, इसमें सर ये है कि मजीद इस इलाके में कोई चेयर लिफ्ट होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं इसके? मैं कहता हूँ चेयर लिफ्ट भी होनी चाहिए और हेलीकॉप्टर सर्विस भी होनी चाहिए। छोटा जो प्लेन जो 5-10 लोगों को हर हालत में हेलीकॉप्टर जो है वो ले जाए, यहाँ से आए वहाँ से ले जाए। और ये देखो ना कितना अच्छा इलाका है, यहाँ पे 5 स्टार होटल बने तो इस इलाके की जो ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्प्रूवमेंट हो सकती है। 5 स्टार होटल बने, 5 स्टार होटल, 6 स्टार होटल बनने का मकसद ये है कि एक आदमी रात के कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपया देगा और लोकल लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। ये ज़रूरी है, होटलिंग ज़रूरी है और यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करने की ज़रूरत है। दूसरा, इस रोड पे आप सबका शुक्रिया, आपने एक पॉइंट सर रोड दे दें जी। अभी जिस रोड से चल के आए हैं आप, तो आपने देखा होगा कि जो इसका ये शोल्डर वाली साइड है, एक तो बहुत बड़ी खाइयाँ हैं या नीचे हाइट पर, तो इसके लिए आप क्या तजवीज़ देंगे? कोई हस्ती दीवार, गार्ड रेल वगैरह? मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ गवर्नमेंट को कि ये जो साइड की वो जो दीवार होती है ब्लॉक्स की या मेटल की, ब्लॉक्स की बेहतर है, वो फौरी तौर पे बननी चाहिए। और ये लैंडस्लाइडिंग के लिए भी जो फौरी तौर पे इंतज़ाम करना चाहिए कि लैंडस्लाइडिंग की जो दीवार है 5 फुट की बजाय 10 फुट की बन जाए तो ज़्यादा प्रोटेक्शन हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे टूरिस्ट